मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता रहे लियाकत अली के साथ रविवार की दोपहर में कुछ लोगों से किसी बात को लेकर तकझक हुई और कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने अपने 8-10 लोगों के साथ उनके आवास पर पहुंचकर उनके साथ मारपीट किया। यह पूरी मारपीट की घटना उनके घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वहीं इसको लेकर लियाकत अली ने कोतवाली में 2 व्यक्तियों को नामजद करते हुए 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गाजीपुर जनपद के सदर कोतवाली इलाके के शिवपुरी कॉलोनी में रहते हैं और रविवार की दोपहर पड़ोस के ही रहने वाले सत्यप्रकाश यादव और उनके एक रिश्तेदार से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। इसके बाद सत्यप्रकाश यादव जो गैंग चलाते हैं और पेशे से अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने कुछ लोगों को फ़ोन कर बुलाया, जिसके बाद 10 से 12 की संख्या में लोग पहुंचे और उनके साथ मारपीट किया। इस मारपीट की पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो इस बात की गवाही देता है कि घटना उनके साथ हुई है। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि वह मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता रहे हैं और मुख्तार अंसारी के बहुत सारे लोगों से दुश्मनी रहे हैं। हो सकता है कि उन्हीं में से कुछ लोगों से मिलकर इस तरह के झगड़े के माध्यम से मेरी हत्या कराना चाहते हों। ये मेरे घर पर कल संडे का दिन था और मैं काम करा रहा था मिस्त्री से। मेरे घर 2-3 मिस्त्री भी थे और मैं अपने दरवाजे पर था। लगभग दोपहर 1:30 बजे दिन में 10-15 आदमी अज्ञात जो है, उसमें 2 आदमी को मैं पहचानता हूँ, नाम भी जानता हूँ। एक सत्यप्रकाश यादव मेरे शिवपुरी कॉलोनी जो है वो फैमिली बाजार के सामने है, उस वहाँ उन अपने बहनोई के यहाँ रहते हैं और वो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। सत्यप्रकाश यादव उनका एक गैंग चलता है, तो वो मुगलानी चक के लोगों के साथ उनका गैंग चलता है। तो वो लोग और एक सत्येंद्र यादव वकील भी थे, जिनका वीडियो में फोटो है बकायदे, ये लोग अचानक हमारे दरवाजे पर आए और हमने पूछा कि क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई, तो ये लोग अचानक माँ बहन की बद्दी बद्दी गाली देते हुए और ये लोग अचानक मतलब कि हमारे ऊपर टूट पड़े और मारने लगे। जब हमारा लड़का आया और हमको खींच करके घर में ले गया हमको बचाने के लिए, तो ये लोग हमको घर में भी घुस करके मारे पीटे। उसके बाद एक आदमी जो था सत्यप्रकाश यादव के साथ, वो अपने हाथ में कट्टा लिए हुए था, उसने फायर कर दिया हमको जान से मारने के लिए। तो अब इसके पीछे क्या था, हम जो है मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता भी रहे हैं पहले जो है, वो उनकी अब तो मृत्यु हो चुकी है, तो क्या मामला था, ये लोग हमको जान से मारने की नियत से आए हुए थे और ये लोग घर में भी घुस गए और ये एक आदमी ने फायर भी कर दिया जो हमारे अंगुली में लगी, उसके बाद जा करके हमारा दीवार में लग गई गोली। तो उसके बाद घर गाँव पड़ोस के लोग आ गए तो किसी तरह जान बचाए लोग। तो उसके बाद पुलिस में गया मैं FIR कराने के लिए, तहरीर दिया जिसकी FIR दर्ज हुई और उसमें मेडिकल भी पुलिस ने कराया जा करके। और देखिए, पहली बात तो ये ऐसा लगता है कि उनके अधिवक्ता हम रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी की साजिश हो हमको जान से मरवाने के लिए। ये 6,990 का है, ये 3,990 का है, ये एज ए गिफ्ट केवल बुकिंग ऑफर है, आप बुकिंग करेंगे आपको ऑफर मिलेगा। नमस्कार, मैं सुबह जायसवाल, जायसवाल TV से आपका स्वागत करते हैं। अभी नवरात्र और दिवाली के त्यौहार आ रहे हैं और TV की तरफ से जो है ऑफर्स की बरसात होने वाली है। अभी वर्तमान में हम लोगों ने जो है कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी खरीदना चाहता है, नवरात्र में लेना चाहता है या दिवाली में लेना चाहता है, उसके लिए ज़बरदस्त ऑफर आया हुआ है। आप कोई भी गाड़ी बुक करिए, एक जो है ये ओप्पो का जो है स्कॉट जो है ईयरबड है, ओप्पो का ये स्मार्ट वॉच है,